वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ, सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी दे, आमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आप चटनी बना रहे हैं भाई? ये किस नाम से भाई जान आपका? पेशावर चपली कबाब से। अच्छा, कितने साल से लगा रहे हैं? ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, आपने किया है? वालिद साहब ने माशाल्लाह स्टार्ट किया है। तो कितने बजे होते हैं आप यहाँ? मगरिब के टाइम लगा। मगरिब के टाइम? वो कितने बजे तक होते हैं? तकरीबन 1 बजे। अच्छा, ये बीफ का है कबाब? हाँ जी, बीफ का होता है। अच्छा अच्छा क्या क्या मैरिनेशन के लिए मसाले इस्तेमाल करते हैं इसमें? धनिया, मिर्ची और जीरा। अच्छा अच्छा मकई का आटा। अच्छा, जो इसका तरीका है उसी तरीके। मतलब कितना टाइम लगता है तकरीबन बनाने में आपको? इसको यहाँ पकने में तो कुछ 10 मिनट, और इसे माल तैयार करने में आधा पौन घंटा आधा पौन घंटा लग जाता है। माशाल्लाह, आपके कबाब जो हैं पूरे हैदराबाद में मशहूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे दे रहा है राजी खाते तो जाती। ये पिसाई कर रहे हैं आप? पानी लगा के, सोडा लगा के ना पिसाई करते हैं। अच्छा, पिसाई करते हैं ताकि नरम हो जाए। सही। दाना होता है वो दाना समझ लो मजे का, जितना अच्छी पिसाई होगी उतना कबाब अच्छा बनेगा। सही। सबसे पहले मतलब मसाले के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह किस टाइम उठते हैं? 2 बजे। 2 बजे उठते हैं। मंडी से प्याज वगैरह ये लाना होती है, मसाले है, प्याज निकालनी है। अच्छा, अच्छी तरह निचोड़ के उसको पानी मिक्स करना है। माशाल्लाह।
इसको जो है ना कीमा निकाल के प्याज डल के मसाले डल के कीमा डल के फिर जो है इसको कुटाई होती है जिससे आटे की कुटाई। अच्छा, आटे की कुटाई होती है, इस तरीके से करते हैं इसको। तो बेसिकली जो है कीमा जो है वो अपना गाय का गोश्त है या कीमा गाय का होता है? अच्छा, भैंस का भी होता है? भैंस का भी होता है। और ज़्यादा टेस्टी किसका होता है? ज़्यादा टेस्टी को जो है भैंस का है। अच्छा अच्छा, तो भैंस का खिलाते हैं। अच्छा जी, आप अपना नाम पूरा बताएं। मोहम्मद जुबैर कुरैशी साहब, अपना एड्रेस बताएं थोड़ा सा यहाँ का। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आना चौक के नाम से मशहूर है हैदराबाद। सही है। तो ये मसाले वगैरह आपके क्या मतलब 5 किलो 10 किलो के हिसाब से बनाते हैं क्या होता है? जितना माल होता है उसके मतलब अगर आप 5 किलो गोश्त का अगर ये मसाला बनाते हैं इसका तो क्या उसका हिसाब किताब करते हैं? तकरीबन एक मसाला जो है ना आधे से आधा किलो मसाला जो टोटल वो मसाले आपने बता दिए हैं। भाई का सालन है माशाल्लाह, मतलब सब सामान हम घर में ही तैयार करते हैं। ये अच्छी बात है। बोल भी हम खुद लेते हैं, खुद निकालते हैं, बाहर से नहीं खरीदते आप। तो मैरिनेशन का मसाला आपने बताया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुत टेस्टला, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी भी, बाबा से कम नहीं है आप माशाल्लाह, इतना तो पक्का बाबा से कम नहीं है। बाबा है माशाल्लाह, नजरे बस से बचा, किंग किंग होता है ना, शेर शेर ही होता है। हाँ बेटा, कैसा लगा आप लोगों को खाना? अच्छा लगा माशाल्लाह। और भाई आप बताएं, अच्छा लगा? आप तो बस सामान लेकर आने में पूरे रहे, खाना तो कम ही खाया आपने। ओके सर, चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर आपके टाइम पर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है, खैरियत से? कब से आ रहे हैं माशाल्लाह कबाब खाने के लिए यहाँ पर? कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए माशाल्लाह आपको। और कैसा एक्सपीरियंस है इनका, कैसा टेस्ट है इनका? माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, नाम आपका? सही, माजिद भाई सक्कर से माशाल्लाह। तो अभी सक्कर में कोई काम आपके सिलसिले में आए थे या ऐसी? अच्छा, चलें जी, बड़ी खुशी है आपसे बात करके यार। कड़क करवाया है और साथ में चटनी है इसके हमारे पास। हाँ, टेस्ट करते हैं इसको, आपको बताते हैं कैसा ये जायका इसका कैसा है। ये ले लिया अब हमने कबाब और ये आ गई चटनी और ये आ गया। गर्मा गर्म है और ये आ गई चटनी। आप ही आइए, आप भी टेस्ट करिए, बड़ा मज़ा आएगा खाने के। तो आप साथ में ओपन एरिया देखेंगे, सारा ओपन एरिया में देखेंगे। Thank you.
अगर आप किसी किस्म की और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर शेयर करें, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और आज आपको हमारा जो है वो ब्लॉग कैसा लगा तो हमारे अच्छी डिटेल्स की शेयर करें, मैं आपसे बात करके और जो है ना आपको इस तरह की वीडियो दिखा के फूड स्ट्रीट हैदराबाद और उसके अलावा पाकिस्तान के शहरों में आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर खाने दिखाएंगे ताकि आप उसे जो है ना वो वहाँ जाएँ, एक्सप्लोर करें हमारी तरफ और फिर इन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान धन्यवाद।